नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स में। आज आप लोग पढ़ेंगे सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर सेकेंड का मैथमेटिक्स पार्ट से रिलेटेड पेडागॉजी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गणितीय प्रमेय है यानी मैथमेटिकल थ्योरम इज। ऑप्शन नंबर वन, एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है, यानी एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसके ट्रथ और फालसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर टू, एक कथन है जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, यानी ए स्टेटमेंट विदाउट सफिशियंट एविडेंस फॉर प्रूफ। थर्ड नंबर ऑप्शन है, एक कथन जिसे अभिगृहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है, यानी ए स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एग्जियम्स। फोर्थ नंबर ऑप्शन, एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं है, यानी ए स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू एंड डज नॉट नीड प्रूफ। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, एक कथन जिसे अभिगृहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी, यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। ऑप्शन नंबर वन देकार्ते, ऑप्शन नंबर टू आयलर, ऑप्शन नंबर थ्री यूक्लिड, ऑप्शन नंबर फोर पाइथागोरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा यूक्लिड, थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अंतः विषयकता यानी इंटर डिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ए है परियोजना यानी प्रोजेक्ट, बी है क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप, सी है वर्णन अभिलेखों यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, डी है ओलंपियाड। तो इनमें से कौन सा सही होगा, बी और सी, सी और डी, ए और बी, ए और सी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए और बी, यानी परियोजना जिसे प्रोजेक्ट कहते हैं और क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप, ये हमारा सही होगा जो कि गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। तो ऑप्शन नंबर वन, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन। ऑप्शन नंबर टू है प्रतिसकारात्मक उपपत्ति यानी काउंटर पॉजिटिव प्रूफ। ऑप्शन नंबर थ्री है आगमन विधि द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय इंडक्शन। ऑप्शन नंबर फोर है प्रत्यक्ष उपपत्ति यानी डायरेक्ट प्रूफ। तो इस कथन को प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम नहीं होता, कोई दो समपूर्णांक ले लेते हैं उनका योग हम मान लेते हैं कि ये सम नहीं है और इस विधि द्वारा हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी अपर प्राइमरी लेवल में किन स्किल्स को प्रमोट किया जाता है। ए है मानदर्शन यानी विजुअलाइजेशन, बी है पक्षांतरण यानी ट्रांसपोजिशन, सी है कंठस्थ करना यानी मेमोराइजेशन, डी है सामान्यीकरण यानी जर्नलाइजेशन, और ई है अनुमान लगाना यानी इस्टीमेशन। तो हम चूंकि जानते हैं कि कंठस्थ करना एक निगेटिव पॉइंट होता है, ये हमारा गणित के कौशल में नहीं आएगा, इसलिए इसे हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते। तो इसके अलावा हमारे चारों ऑप्शन सही होंगे, तो थर्ड नंबर यानी ए बी डी और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी, यानी लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर वन, एक विद्यार्थी ने एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का आयतन 38.3 सेंटीमीटर परिकलित किया, उसने कहाँ गलती की। ऑप्शन नंबर टू है एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और थर्ड नंबर ऑप्शन है 72 × 73 को तीन विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। और ऑप्शन नंबर फोर है समीकरण 7x+3=24 को निरूपित करने वाली कोई दो स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें टू सही होगा, यानी कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कह दिया गया है और त्रिज्या और ऊंचाई दे दिए गए, मतलब हम सूत्र का इस्तेमाल करके इसमें बच्चा सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा।
तो इसमें विद्यार्थी में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना इसमें न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित यानी मैथमेटिक्स फॉर ऑल उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? ऑप्शन नंबर वन, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर टू, गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर थ्री है, यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। और ऑप्शन नंबर फोर है, पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर वन, यानी विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी यानी इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? ऑप्शन नंबर वन, एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कोई एक प्रश्न दिया है उसको अधिक से अधिक तरीकों से सॉल्व करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर टू है, अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना, यानी कि अध्यापक जो किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो उसने जितने चरण उस समस्या को सॉल्व करने के लिए यूज किए हैं उनको बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर थर्ड है, समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर फोर, महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होता है, फर्स्ट नंबर, यानी एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए यानी इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम बनाने के लिए सबसे प्रभावी है, बाकी इसके अलावा ये सारे प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना। ऑप्शन नंबर टू है, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है, प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है, प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना। प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना ये बच्चे के लिए वांछनीय नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा। प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना ये भी प्रभावी नहीं है, ये भी वांछनीय प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में ही सूत्र लिख देने से एक तरह से रटाने वाली बात हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर वन जो कहता है कि विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना, प्रारंभ में ही दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देने से उसके आयतन के मापन के लिए ये वांछनीय कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजी यानी पियाजी के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए, दिक् स्थान की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेन्द्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। सेकंड ऑप्शन है, प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शी अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रक्षेपित स्पेस को देखने के लिए विभिन्न विजुअल और टैक्टाइल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। थर्ड नंबर ऑप्शन है, ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। और फोर्थ नंबर है, ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है ना कि तर्क संगत क्रम में। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इन सब में हम देखें अगर तो जो हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है ना कि तर्क संगत क्रम में, यही कथन हमारा गलत है, क्योंकि ज्यामिति बोध की प्रगति तर्क संगत क्रम में ही होती है। और बाकी इसके ये जो हैं ये सारे इस चीज़ से संबंधित हैं, यानी ये सारे सही हैं, केवल यही गलत है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही होगा, फोर्थ नंबर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।